अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फर्स्ट ईयर बायो क्लास। आज बारिश की वजह से बहुत से बच्चे जो है वो आज एब्सेंट है, लेकिन हमारी क्लास एज यूजुअल चलेगी, हमारी क्लास चल रही है। तो हम अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे, लेकिन खैर अच्छा है, दुआ करेंगे कि बारिश और हो ताकि मौसम जो है थोड़ा सा और अच्छा हो जाए, लेकिन इतनी खतरनाक बारिश ना हो कि हमारी क्लासेस ही ना हो, क्योंकि फिर हमारा जो है पढ़ाई का लॉस होगा। मैंने आपको पहले दिन बिल्कुल जो हमारी पहली क्लास थी, मैंने उस वक्त आपको कहा था कि ये बारिश, ये कोरोना, इमरान खान, इनमें से कोई भी आपका पेपर नहीं देगा, इनमें से कोई भी आपका करियर नहीं बनाएगा। अगर आप पढ़ाई में फेल हो जाओगे, अगर आप कम पढ़ने की वजह से नंबर कम आ जाएंगे, तो इनमें से कोई भी आपकी हेल्प नहीं करेगा। ये सारे मसले मसाइल जो इनकी वजह से होंगे वो आपको ही हैंडल करने होंगे। तो भाड़ में जाए कोरोना, इमरान खान, ये कायम अली शाह, आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, यही हमारा मोटो है। और इसी वजह से मैं आपको आज यही दिखा रहा हूँ कि हम बारिश के बावजूद भी हम अपनी क्लास को ले रहे हैं, हम लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमें एक एक दिन हमारे लिए कीमती होता है, लिहाजा हम अपनी क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा, हमारी बायो की क्लास चल रही थी, लास्ट क्लास में मैं थोड़ा सा रिविजन कर लेता हूँ, हमेशा की तरह थोड़ा सा हम रिविजन कर लेते हैं। हमने लास्ट क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 1 को बकायदगी से स्टार्ट कर दिया था। बायोलॉजी में जो हमारे पास पहला चैप्टर है उसका नाम है द बायोलॉजी। इसमें आप बायोलॉजी पढ़ते हैं कि है क्या वो, उसकी कौन कौन सी ब्रांचेस है, ये इसके टॉपिक्स मैंने आपको बताए थे। हमने ये 2 टॉपिक्स पढ़ लिए, एक बायोलॉजी पढ़ लिया और एक जो है वो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पढ़ ली। बायोलॉजी के बारे में मैं छोटा सा आपको डेफिनेशन रिवाइज करा देता हूँ कि बायोलॉजी जो है साइंस की वो ब्रांच है जिसमें आप जानदार चीजों के बारे में पढ़ते हैं, यानी जो चीज भी जिंदा होगी, जिसके अंदर लाइफ एग्जिस्ट करती है, जो जिंदा है, जो आपको महसूस हो कि उसमें लाइफ मौजूद है ना, उसको आप बायोलॉजी में पढ़ो। जो चीज भी नॉन लिविंग है ना, उसका बायोलॉजी से कोई सरोकार नहीं है, दैट इज नॉट कंसर्न विद द बायोलॉजी। बायोलॉजी से सिर्फ उन चीजों का ताल्लुक होता है जो जानदार होता है। मैं आपको ये भी बताया था कि ये जो बायोलॉजी वर्ड है, दरअसल ये ग्रीक ने, ये जो ये ब्रांच होती है ना बायोलॉजी, ये ग्रीक ने निकाली थी, ग्रीक कॉम ने, लिहाजा इन्होंने जब इस साइंस का नाम रखा था, इन्होंने अपनी ही जबान पे नाम रखा था। एक वर्ड इनका है ये ग्रीक लैंग्वेज का, पहला वर्ड ये वाला है जी बीआईओ, बायो, और दूसरा है जी ये लोकस। ये 2 वर्ड से मिलकर बायोलॉजी बना हुआ है। और बायोलॉजी क्या है, साइंस की वो ब्रांच जिसमें आप जानदारों के बारे में पढ़ते हो। काफी ब्रांचेस भी हमने देखी थी, वो ब्रांचेस भी हमने पढ़ी जो हमने 9th क्लास में पढ़ी थी, और फिर कुछ नई ब्रांचेस भी हमने पढ़ी थी। तो नई ब्रांचेस को मैंने आपको अलहदा से भी बता दिया था यहाँ पर लिखकर। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसके अंदर हम बायो मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं। बायो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं जी, वो मॉलिक्यूल्स जिनका ताल्लुक जानदारों से होता है, यानी जो जानदारों में पाए जाते हैं। अब आपने केमिस्ट्री में देखा है कि जी बहुत सारे एटम्स कंबाइन करते तो मॉलिक्यूल्स बनते, और आपकी दुनिया में बेतहाशा मॉलिक्यूल मौजूद है। पानी एक मॉलिक्यूल है, मट्टी के अंदर एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, बेतहाशा मॉलिक्यूल है, लेकिन उनमें से चंद मॉलिक्यूल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स, शुगर के मॉलिक्यूल्स, फैट के मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स जानदारों में मौजूद होता है, जो मॉलिक्यूल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलेगा, हम उनको कहते हैं बायो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और उनकी स्टडी की जाती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मॉलिक्यूल नहीं होता, जो किसी बेजान चीजों में है, जमीन में है, पानी में है, उनको नहीं पढ़ते हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। हम इस ब्रांच में सिर्फ उन्हीं मॉलिक्यूल्स को पढ़ेंगे जो जानदारों में पाया जाता है। मेराइन बायोलॉजी, मेराइन वाटर हम किसको कहते हैं, समंदर के पानी को, खारे पानी को हम मेराइन वाटर कहते हैं। तो मेराइन बायोलॉजी क्या है जी, बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंदर हम वो ऑर्गेनिजम्स पढ़ते हैं, वो जानदार पढ़ते हैं जो आपको समंदर में मिलेगा, जो आपको ओशंस के अंदर मिलता है, जैसे कि स्टार फिश वगैरह हो गया, शार्क हो गया। कभी शार्क आपने मीठे पानी में देखी है? नहीं। ये आपको समुद्री पानियों में मिलता है। तो समुद्री जानवर जो होते हैं ना, समुद्री ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, उनको हम मेराइन बायोलॉजी में पढ़ते हैं। एक और इसी जैसी ब्रांच होती है, वो होती है फ्रेश वाटर बायोलॉजी। इसमें आप जो ऑर्गेनिजम्स पढ़ते हो वो आपको कहाँ मिलता है, फ्रेश वाटर बॉडीज में, यानी मीठे पानी के जो झरने होते हैं, जैसे कि रिवर हो गया, दरिया हो गया, ये मीठे पानी होते हैं, मीठे पानी की बॉडीज कहते हैं इनको, फ्रेश वाटर बॉडीज। इधर जो ऑर्गेनिज्म मिलता है उनकी स्टडी कहलाती है फ्रेश वाटर बायोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी, ये एक अगली ब्रांच थी, ये भी हमारे पास फर्स्ट ईयर के अंदर आई है, नई है हमारे लिए। पैरासाइट की स्टडी की जाती है इसमें। अब ये पैरासाइट क्या होता है, पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं जो अपना खाना किसी दूसरे जानदार से हासिल करेगा, प्लस उसको नुकसान देता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मच्छर हो गई, मच्छर जो है खाना कैसे हासिल करता है, हमारे बॉडी में आता है, काटता, हमारे खून खा जाता है, पी जाता है, यानी ये अपना खाना किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल कर रहा है, प्लस हमें बीमार करता है, इसकी वजह से हम बीमार हो जाते हैं, मलेरिया हो जाता है। ये जो जुए वगैरह होती है, पेट के कीड़े होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, दे ऑल आर पैरासाइट्स, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर नमक हराम है, ये
कि हमारी बॉडी के अंदर खाना खाते हैं, हमारी बॉडी से खाना हासिल करते हैं, प्लस हमें बीमार कर देते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं पैरासाइटोलॉजी। इसकी कई ब्रांचेस हैं, इसकी एक कहलाती है बैक्टेरियोलॉजी, इसी पैरासाइटोलॉजी की मजीद ब्रांचेस है। बैक्टेरियोलॉजी इसमें आप बैक्टीरिया पढ़ते हो, वायरोलॉजी इसके अंदर आप वायरस पढ़ते हो, माइकोलॉजी इसके अंदर आप फंगस को पढ़ते हो। उसके बाद अगली ब्रांच मैंने आपको बताई थी ह्यूमन बायोलॉजी, इसके अंदर आप इंसान को पढ़ते हो, इंसान के तमाम मामला, उसकी बॉडी का फंक्शन, उसकी बॉडी किस तरह बनी हुई है, उस तमाम चीजें, उसका सोशल बिहेवियर, तमाम चीजों को आप ह्यूमन बायोलॉजी में पढ़ते हो। सोशल बायोलॉजी में आप क्या पढ़ते हो, मैंने आपको बताया था कि कम्युनिटी किसे कहते हैं, जिसके अंदर आपको एक से ज्यादा किस्म का ऑर्गेनिज्म मिलता है उसको आप कम्युनिटी कहते हैं। जैसे ये जो मैं जिस इलाके में रह रहा हूँ या आप जिस इलाके में रह रहे हो, ये कम्युनिटी कहलाती है। क्योंकि मिसाल मैं अपने इलाके की बात करूँ तो मैं जिस इलाके में रह रहा हूँ यहाँ इंसान भी है, जानवर भी है, परिंदे भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं, यानी कई शक्लों के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म मिल रहा है आपको। तो ऐसी जगह जहाँ कई शक्लों के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कई स्पीशीज होती है, उनको हम कहते हैं कम्युनिटी। मैं हम कम्युनिटी में रह रहे हैं, कुत्ता हमारी गली के बाहर खड़ा रहता है मुस्तकिल, तो पता नहीं क्यों, वो एक अलग स्पीशी है। मैं एक इंसान हूँ, मैं एक अलग स्पीशी हूँ, मेरे घर पे पौधे, ये एक अलग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। तो कम्युनिटी क्या है, ऐसी जगह जहां पर मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उसको हम कम्युनिटी कहते हैं। अब एक कम्युनिटी में जो मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, सबों का आपस में इंट्रैक्शन होता है, एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे होते हैं। आपका जो पौधा होता है वो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के जरिए ऑक्सीजन निकालता है, आप उस ऑक्सीजन को चाहिए, आप पौधों पर डिपेंड हो गए। आप कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हो रिस्पायरेशन के दौरान नाक से, आपकी ये जो निकली हुई कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये पौधे को चाहिए होती है, पौधा आप पर डिपेंड हो रहा है। आप पानी डालते हो पौधे को, अगर आप पानी नहीं डालोगे पौधे पर फर्क पड़ेगा। तो ये जो कम्युनिटी में मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं ना, इनके दरमियान इंट्रैक्शन होते हैं, इनके दरमियान ताल्लुक होता है। सोशल बायोलॉजी में हम उस इंट्रैक्शन को पढ़ते हैं, यानी कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो अपनी कम्युनिटी के अंदर जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे कैसा ताल्लुक होता है, किस तरह का रिलेशनशिप होता है, कैसे इस रिलेशनशिप को बिल्ड किया जाता है, वगैरह वगैरह। तो ये हमारा लास्ट क्लास का टॉपिक था, ब्रांचेस पढ़ी थी और बायोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ी थी। फिर हमने कहा था कि नेक्स्ट क्लास में हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ेंगे, तो आज हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, जिसके लिए मैं आपको एक दूसरी तरफ लेकर जाऊंगा। लेट मी कंफर्म फर्स्ट वन। हाँ, तो मैं आपको अब एक और पेज की तरफ लेके जा रहा हूँ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आज की क्लास के लिए। ये असल में पावर पॉइंट है, तो पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन पर हम इसको बयान करेंगे आज, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप समझ ले बायोलॉजी में ना बहुत बड़ी चीज होती है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये हमें बायोलॉजी में ना आगे की चीजें समझने के लिए बड़ा किरदार अदा, हमें लेवल्स दे देती है। आप पहले लेवल वन स्टडी करो, फिर लेवल टू स्टडी करो, फिर लेवल थ्री स्टडी करो, तो हमें पता चल जाता है हम किस तरीके से चलते जा रहे हैं। तो पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन समझते हैं ये होती क्या है। देखिए जी, दुनिया की अगर हम ज्यादातर चीजों को की बनावट को देखें ना, तो उनकी बनावट बड़े मजेदार तरीके से हुई होती है। हर चीज की बनावट ना लेवल्स में हुई हुई है। सबसे पहले एक लेवल आता है, उसके बाद अगला लेवल होगा, फिर उसका अगला। अब मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फिर मैं आगे बात करूंगा। पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैं बुक की बात करता हूँ। बुक की बात करता हूँ, किताब, इंग्लिश की फॉर एग्जाम्पल मेरे पास किताब है। तो अगर मैं उस किताब के बनावट को देखूं ना, उस किताब के स्ट्रक्चर को देखूं कि वो बुक बनी हुई कैसे होती है, तो उस बुक में ना सबसे बेसिक सबसे छोटी चीज होती है लेटर्स। ये जो इंग्लिश के लेटर्स होते हैं ABCDEFGH, ये हमारी बुक में सबसे बेसिक चीज होती है, सबसे स्मॉलेस्ट चीज होती है लेटर्स। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मुख्तलिफ लेटर्स को मिलाकर हम अगली चीज तैयार करते हैं जिसको हम कहते हैं वर्ड्स। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने पांच लेटर्स को मिला के ये एक वर्ड तैयार कर दिया, APPLE। ये वो पांच लेटर्स हैं, मैंने इन पांच लेटर्स को मिला दिया, अब ये मेरे पास क्या आ गया, एक वर्ड आ गया, ये मेरा नेक्स्ट लेवल हो गया सेकंड। अब मुझे थर्ड लेवल कैसे हासिल होगा, मैं वर्ड्स को मिलाऊंगा और अगला लेवल मुझे मिल जाएगा जिसको हम कहते हैं सेंटेंस। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, देखें मैंने तीन वर्ड्स मिला दिए, पहला वर्ड है एप्पल, दूसरा वर्ड है इज, तीसरा वर्ड है टेस्टी। मैंने तीन वर्ड को मिलाया, मेरे पास अगला लेवल आ गया सेंटेंसेस। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम मुख्तलिफ सेंटेंसेस को मिलाते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस को हम मिलाएंगे और हमारे पास क्या तैयार हो जाएगा, एक पूरा सफा पेज तैयार हो जाता है। ठीक है, एक पेज कैसे बना हुआ होता है, बहुत सारे सेंटेंसेस आपस में मिले हुए होते हैं, पेज बन जाता है। उसके बाद जब आप बहुत सारे पेजेस को मिलाओगे, देन यू विल गेट अ बुक, आपको एक किताब मिलाता है। यानी किताब की कंस्ट्रक्शन को अगर मैं गौर से देखूं ना, लेवल्स में हुई हुई है। देखें जी, लेवल नंबर वन क्या है, लेटर्स। लेवल नंबर टू क्या है, वर्ड्स। लेवल नंबर थ्री क्या है, सेंटेंसेस। लेवल नंबर फोर क्या है, पेजेस। देन फाइनल लेवल इज द बुक।
पहली बात, हमारी जो किताब है इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे हुई हुई है, लेवल्स के अंदर हुई हुई है। सबसे पहला लेवल जो होता है वो सबसे कहेंगे हम बुनियादी लेवल होता है, सबसे बेसिक लेवल होता है, क्योंकि उसके नीचे कोई लेवल नहीं है, उसको आप बेसिक लेवल कहोगे। उसके बाद आप देखो हर लेवल आपको कैसे मिलता है, प्रीवियस लेवल में जो चीज पाई जाती है उसको कंबाइन कर लें, आपको अगला लेवल मिल जाएगा। मिसाल के तौर पे ये जो लेवल है वर्ड, ये हमें कैसे मिलता है, प्रीवियस लेटर, प्रीवियस जो लेवल है उसमें क्या था, लेटर्स, आपने लेटर्स को कंबाइन किया, वर्ड मिल रहा है। ये जो लेवल है सेंटेंस, ये आपको कैसे मिला, प्रीवियस लेवल में क्या मौजूद थे, वर्ड्स, आपने वर्ड्स कंबाइन किए सेंटेंस में। यानी कि आपको अगला लेवल चाहिए, आप चीजों को मिलाएं अगला लेवल मिल जाएगा, चीजों को मिलाएं अगला लेवल बन जाएगा, ऐसे बन रही है दुनिया की चीजें। लेवल्स की सूरत में लेवल्स है हमारे पास हर चीज की बनावट के अंदर, आप लेवल्स में चीजों को कंबाइन करते हैं अगला लेवल आ जाता है, चीजों को कंबाइन करते हैं अगला बढ़ता रहता है। बिल्डिंग की एग्जांपल ले रहे हैं क्योंकि बिल्डिंग की जहन में आ गई बात, बिल्डिंग में भी यही चीज है। बिल्डिंग में भी आप देखिएगा कि बिल्डिंग की जो बनावट होती है वो भी ऐसी तरह लेवल्स की सूरत में होती है, आप चीजों को मिलाते जाएंगे लेवल बनते जाएंगे, चीजों को मिलाते जाएं लेवल बढ़ता जाएगा। बिल्डिंग में सबसे बेसिक लेवल जो होता है वो होता है ब्रिक, ईंट है जिसको आप कहते हो। फिर आप क्या करोगे, बहुत सारी ईंटों को कंबाइन कर लो, जब आप बहुत सारी ईंटों को कंबाइन करोगे अगला लेवल मिल जाएगा, उसको हम कहते हैं वॉल, दीवार। बहुत सारी ईंटें देखे मैंने कंबाइन करी, अगला लेवल तैयार, वॉल। उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं वॉल्स को कंबाइन करना शुरू करूंगा, बहुत सारी वॉल्स को कंबाइन करूंगा, मुझे अगला लेवल मिल जाएगा। मैंने बहुत सारी वॉल्स को कंबाइन किया, मेरे पास क्या तैयार हो गया, रूम, चार दीवारें और एक छत, ये छत को भी आप दीवार मानो, तो ये चार पांच दीवारें मिलाई आपने, एक अगला लेवल आ गया आपके पास, रूम। आप फिर आप अगले लेवल पे जाएंगे कैसे, रूम्स को कंबाइन करें, तो जब आप रूम्स को कंबाइन करते हैं आपको क्या मिल जाता है, एक फ्लैट, चार रूम्स, पांच रूम्स, छह रूम्स को अगर आपने कंबाइन कर लिया, यू विल गेट अ फ्लैट, दैट इज द नेक्स्ट लेवल। और फिर आप बहुत सारे फ्लैट्स को मिलाओगे, फिर आपके पास आखिर में अल्टीमेटली बिल्डिंग तैयार हो जाती है। तो बिल्डिंग की बनावट में भी यही कुछ एग्जाम्पल चलती आ रही है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, हमारे पास लेवल्स हैं, लेवल्स मिलती हैं, चीजें तैयार होती हैं। एक और एग्जाम्पल आ रही है जी सामने, गौर से देखिएगा, ईंटें, ईंटों को मिलाया बिल्डिंग, बिल्डिंग्स को मिलाया शहर बन गया, बहुत सारे बिल्डिंग्स मिला ली शहर बन गया, बहुत सारे शहरों को मिलाया मुल्क बन गया, बहुत सारे मुल्क को बनाया ये दुनिया बन गई। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हर जगह लेवल्स हैं जी, आप चीजों को मिलाते हैं लेवल तैयार हो जाता है, फिर आप मजीद चीजों को मिलाएंगे अगला लेवल, फिर आप मजीद चीजों को मिलाएंगे अगला लेवल। बिल्कुल इसी तरीके से इंसान, ह्यूमन बायोलॉजी, इसमें भी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायोलॉजी में भी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। बायोलॉजी में भी हमें देखने को यही मिलता है कि चीजें मिलती जाती हैं, अगले लेवल मिलता जाएगा, चीजें मिलती जाएंगी अगला लेवल बनता जाएगा। अब बायोलॉजी में कौन कौन से लेवल्स होते हैं, अब हमने क्या देखना है कि बायोलॉजी में कौन से लेवल्स हैं। बहरहाल याद रखिएगा, बायोलॉजी में भी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी आप चीजों को मिलाते जाएंगे अगला लेवल मिलता जाएगा। अब बायोलॉजी में कौन कौन से लेवल्स होते हैं वो हमें आज देखना है। बायोलॉजी में जो सबसे, यानी के कहते हैं ना आप, स्टार्टिंग लेवल है वो है सब अटोमिक लेवल कहलाता है। वो क्या कहलाता है, सब अटोमिक पार्टिकल्स होते हैं। आपको पता होगा आपने नाइन्थ में केमिस्ट्री पढ़ी है, दोनों नहीं पढ़ी हुई केमिस्ट्री, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि एक एटम के अंदर तीन सब अटोमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये तीन अटोमिक पार्टिकल्स होते हैं जो आपके सबसे छोटे होते हैं, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता है न्यूट्रॉन पर। एक मिनट रुकिएगा जरा, दो मिनट। और न्यूट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, कोई चार्ज नहीं होता। सबसे पहली चीज हमारे पास बायोलॉजी में जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसमें क्या है जी, ये इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ये पहला लेवल है हमारे पास बायोलॉजी के अंदर। इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास स्टार्टिंग लेवल हो जाएगा, ये हमारे पास बिल्कुल बुनियादी लेवल है पहला, ठीक है जी। उसके बाद क्या आता है जी, अगला लेवल। अब आप ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला लो, क्या तैयार होगा आपके पास, नेक्स्ट लेवल, उसको आप कहोगे एटम्स। जब आप बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला लेते हो तो फिजिक्स, सॉरी केमिस्ट्री में तो आपने यही पढ़ा होगा कि जब हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाते हैं हमारे पास तैयार हो जाता है क्या, एटम तैयार हो जाता है। तो हमारे पास एटम जो है वो हमारा सेकेंड लेवल हो जाएगा, एटम विल बी आवर सेकेंड लेवल, ठीक है। ये हमारे पास दूसरा लेवल आ गया एटम। तो पहला लेवल हमारे पास क्या है, सब अटोमिक पार्टिकल्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। दूसरा लेवल हमारे पास क्या है, एटम्स। हमने सब अटोमिक पार्टिकल से स्टार्ट किया, कौन कौन से है वो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। फिर हमने
अगला लेवल चाहिए था हमें एटम, हमने क्या किया जी, इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स को मिला दिया, हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को मिलाया, एटम्स मिल गया। अब हम अगला लेवल पे ले आएंगे। अब अगला लेवल आपको चाहिए, क्या करोगे आप, एटम्स को मिलाओगे। तो जब एटम्स मिलते हैं तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स। व्हेन एटम्स कंबाइंस वी विल गेट मॉलिक्यूल्स। तो जब हम एटम्स को मिलाते हैं, एटम्स को जोड़ते हैं, तो हमारे पास क्या मिलता है, मॉलिक्यूल। और ये आपका अगला लेवल हो गया, ये आपका क्या है, अगला लेवल, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आप देख रहे हैं वही है, वही लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको भी एग्जांपल में बताया था। ये आपका स्टार्टिंग लेवल है। हर अगले लेवल को आप कैसे हासिल कर रहे हो, आप चीजों को मिलाते जा रहे हो। आपने इन तीनों को मिलाया, ये वाला लेवल आ गया एटम्स। फिर आपने मुख्तलिफ एटम्स को मिलाया, आपके पास मॉलिक्यूल्स आ गया। ठीक है, उसके बाद मॉलिक्यूल्स के बाद जो अगला लेवल होता है हमारे पास, वो कहलाते हैं ऑर्गेनल्स। ठीक है, बायोलॉजी पे आ रहे हैं हम, तो ऑर्गेनल्स होते हैं हमारे पास अगला लेवल। अब ये ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, आपने केमिस्ट्री में, सॉरी बायो में, आप दोनों ने तो बायो पढ़ी हुई है, पहले आपने पढ़ा था बायो में सेल्स होते हैं। ठीक है, जिसके बारे में हमने आपको ये बताया था, मैंने बताया था बल्कि दोनों, आप दोनों को मैंने ये बताया था कि ये जो हम इंसान होते हैं, पौधे होते हैं, जानवर होते हैं, ये सब जो है ऐसे छोटे छोटे सेल्स से मिलके बने हुए होते हैं। जैसे अगर आप मेरी बॉडी पार्ट्स देखें, मेरा दिमाग, मेरी आंख, कान, नाक, हड्डी, ये सारी चीजें ऐसे छोटे छोटे सेलों से मिलके बनी हुई थी, इनको हम कहते हैं सेल्स। एक बात, दूसरी बात, ये सेल्स खाली नहीं होते, दे आर नॉट एम्प्टी, ये खाली नहीं है, बल्कि इनके अंदर भी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। आप देखें मेरा जहां माउस घूम रहा है, ये पूरा सेल है, और इसके अंदर ये जो आपको छोटे छोटे पार्टिकल, ये पार्ट्स नजर आ रहे ना, इनको हम कहते हैं ऑर्गेनल्स। ये ऑर्गेनल्स होते हैं, ये सेल्स के लिए कुछ खास काम कर रहे होते हैं। कोई ऑर्गेनल सेल के लिए कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई ऑक्सीजन तोड़ रहा है, कोई खाना कलेक्ट कर रहा है, कोई चीजें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है, कोई प्रोटीन बना रहा है। ये ऑर्गेनल्स होते हैं, हर ऑर्गेनल सेल के लिए स्पेसिफिक काम करता है। और ये ऑर्गेनल्स कैसे बनते हैं, मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके बनते हैं ऑर्गेनल्स, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक। आप बहुत सारे ये ऐसे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, कार्बन हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं, आप बहुत सारे मिलाएंगे, उससे ये ऑर्गेनल्स तैयार होते हैं। तो ये आपका अगला लेवल होता है मॉलिक्यूल्स के बाद का। उसके बाद अगर हम बहुत सारे ऑर्गेनल्स को कंबाइन कर लें, तो हमारे पास अगला लेवल आ जाएगा, जिसको हम कहते हैं सेल। यही आप डायग्राम देख लें, ये बहुत सारे ऑर्गेनल्स को मैंने, तमाम ऑर्गेनल्स को कंबाइन कर लिया, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक, जब मैंने तमाम ऑर्गेनल्स को कंबाइन किया, ये पूरा सेल तैयार हो गया। ये अगला लेवल होता है आपका सेल। उसके बाद आपने पढ़ा भी है यहाँ से, तो फिर आपने सेल से आगे की ऑर्गेनाइजेशन 9th क्लास में पढ़ी हुई है, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम वाली। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ तक जरा दोहरा दूं, उसके बाद फिर मैं आगे की आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाता हूँ। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से मुराद होता है कि हमारे पास जितनी भी चीजें होती हैं वो लेवल्स के अंदर तरतीब में होती है। सबसे पहले छोटा लेवल होता है, फिर आप उनको कंबाइन करेंगे, नेक्स्ट लेवल आपको मिल जाएगा, फिर आप उस चीजों को कंबाइन करोगे, अगला लेवल मिल जाएगा। इस तरीके से हमारी बॉडी जो है वो हायर बन जाती है, हमारी चीज जो है वो बड़ी बनती है। हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो स्टार्ट होती है सब अटोमिक पार्टिकल से। हमारे पास तीन किस्म के सब अटोमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। केमिस्ट्री हमें बताती है कि इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव, प्रोटॉन का पॉजिटिव और न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता। ये सबसे छोटी चीज है फिलहाल। उसके बाद अगर आप इन एटॉमिक पार्टिकल्स को मिलाएंगे तो फिर आपको अगला लेवल मिल जाता है, जिसको आप कहते हो एटम्स। ये देखें जी, ये मैंने यहाँ पर डायग्राम में इन तीनों पार्टिकल्स को मिला लिए, ये मेरे पास एक एटम तैयार हो गया। उसके बाद अगला लेवल आप कैसे हासिल करोगे, आप एटम्स को कंबाइन करोगे, अगला लेवल आपको मिल जाएगा, उसको आप कहोगे मॉलिक्यूल्स। ये देखें जी, ये एक एटम है रेड कलर में, एक एटम है ग्रे कलर में, ये एक एटम है ग्रे कलर में, ये एक रेड, ये हमने मुख्तलिफ एटम्स को कंबाइन कर लिया। तो अब ये जो बना हुआ है ना, इसको हम कहेंगे मॉलिक्यूल्स। ये हमारे पास अगला लेवल हो गया। फिर हम क्या करेंगे, मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करते हैं तो हमें मिलते हैं ऑर्गेनल्स। अब हमारे ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, सेल के अंदर छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो सेल के लिए कोई खास काम करते हैं, उनको आप सेल ऑर्गेनल्स कहते हो। तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को मिला लोगे आप तो ये ऑर्गेनल्स बन जाते हैं। और फिर जब आप इन ऑर्गेनल्स को मिलाओगे, ये सारे ऑर्गेनल्स को मिलाओगे, तो आपके पास क्या तैयार हो जाएगा, सेल तैयार हो जाएगा। सेल आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे बेसिक पार्ट है, इसको यूं कहते हैं बेसिक पार्ट है, क्योंकि यहां से जान आ गई, यहां से जिंदा चीजें आ गई। इससे पहले ना सारी चीजें बेजान थी, मुर्दा थी। ये भी बेजान होता है सब एटॉमिक पार्टिकल, एटम भी बेजान होता है, इसमें भी कोई जान नहीं होती, मॉलिक्यूल्स में भी जान नहीं होती, ऑर्गेनल्स में भी जान नहीं होती। ये होता है पहला लिविंग, ये तो आपके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, दैट इज द फर्स्ट लाइफ, ये आपकी पहली जिंदगी। अब इससे आगे की जितनी चीजें होंगी ना, उन सबको हम लाइफ मानते हैं, उसको हम जिंदा मानते हैं। उसके बाद ये सेल्स कंबाइन करते हैं। अगर हमारे पास ये सेल्स जो होते हैं, अगर हम इनको कंबाइन करें, बहुत सारे सेल्स को अगर आप मिला लें, तो हमें अगला लेवल मिलेगा,
उसको हम कहते हैं टिश्यू। ठीक है जी, अगर आप सेल्स को कंबाइन करोगे तो आपको अगला लेवल मिलेगा, उसको आप कहोगे टिश्यू। मिसाल, सॉरी मैंने सेल की डायग्राम उठाई, मिसाल के तौर पे ये एक टिश्यू है, इसको हम कहते हैं मस्कुलर टिश्यू। ये हमारे जो गोश्त होते हैं ना जिस्म में, हाथ पे गोश्त जो होते हैं, पैरों में जो गोश्त होते हैं, ये होता है इससे बना हुआ गोश्त, इससे बने होते, ये टिश्यू है। अभी आपको कैसे मिला? बहुत सारे सेल्स को कंबाइन करके। यहाँ पर आप डायग्राम को देखें तो ये आपको ये जो लंबे लंबे नजर आ रहे हैं ना, ये एक एक सेल है। आपने बहुत सारे सेल्स को कंबाइन कर लिया, ये एक टिश्यू हो गया। बहुत सारे सेल्स का आप कह ले गुच्छा है ये, तो ये आपका अगला लेवल होता है टिश्यू। बहुत सारे सेल्स आप लें और उसको कंबाइन कर लें, आपको अगला लेवल मिल जाएगा जिसको आप कहते हो टिश्यू। ठीक है, उसके बाद अगला लेवल पर आते हैं। टिश्यू के बाद जो हमारे पास अगला लेवल आता है उसको हम कहते हैं ऑर्गन। अब ऑर्गन कैसे हासिल होगा? वही जी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन आपको कैसे हासिल होता है? जब आप बहुत सारे टिश्यूज को कंबाइन कर ले, तो जब आप बहुत सारे टिश्यूज को कंबाइन करते हैं तो आपको क्या मिलता है? ऑर्गन्स। ऑर्गन की एग्जांपल जैसे कि आपका दिल हो गया, दिमाग हो गया, आंखें हो गई, कान हो गया, मैदा हो गया, लंग्स हो गए, ये सब आपके क्या है? ऑर्गन्स हैं। ये सब आपके ऑर्गन्स हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे बहुत सारे टिश्यूज से मिलके बने हुए हैं। अब ये जो हमारा स्टमक है, जो डायग्राम आपके सामने दी गई, ये स्टमक की है, मैदा। अब ये भी आपके कौन कौन से टिश्यू से मिलके बना होता है? एपिथेलियल टिश्यू से मिलके बना होता है, कनेक्टिव से, मस्कुलर से, नर्वस टिश्यू से। तो बहुत सारे टिश्यू से मिलके बना हुआ है, तो ये एक ऑर्गन हो गया। तो हमारे पास टिश्यूज होते हैं। टिश्यूज के बाद अगला लेवल हम कैसे हासिल करते हैं? बहुत सारे टिश्यूज को हम कंबाइन कर लेते हैं। तो जब हम बहुत सारे टिश्यूज को कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ऑर्गन मिलता है, ये एक ऑर्गन है। उसके बाद अगला लेवल क्या है जी? आप ऑर्गन्स को कंबाइन कर लें। तो जब आप ऑर्गन्स को कंबाइन करते हैं तो देन यू विल गेट सिस्टम। तो जब आप बहुत सारे ऑर्गन्स को कंबाइन करोगे, आपको जो चीज मिलती है उसको आप कहते हो सिस्टम। मिसाल के तौर पे डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सिस्टम्स होते हैं। इनके अंदर ये सिस्टम्स होते हैं। सिस्टम्स क्या होते हैं? जिनमें बहुत सारे ऑर्गन्स कंबाइन हो जाते हैं और वो मिलकर एक काम कर रहे होते हैं। अब ये हमारे पास जो मैंने आपको डायग्राम दिया है, ये है डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें बहुत सारे ऑर्गन है। ये आपका ये जो लीवर होता है, कलेजा जिसको आप कहते हो, ये एक ऑर्गन है। मैदा, स्टमक, ये एक ऑर्गन है। इंटेस्टाइन एक ऑर्गन। तो बहुत सारे ऑर्गन इससे मिलके ये सिस्टम तैयार हो जाता है और इसका एक पर्टिकुलर काम होता है, खाना तोड़ना। तो अगला ये वाला लेवल क्या है जी? सिस्टम कैसे हासिल किया? आप ऑर्गन्स को कंबाइन कर ले। तो जब आप बहुत सारे ऑर्गन्स को मिलाएंगे तो आपको अगला लेवल मिल जाएगा, उसको आप कहते हो सिस्टम। डायग्राम में भी देख ले आप, ये एक ऑर्गन है, हमने इस जैसे बहुत सारे ऑर्गन्स को मिला लिया, ये हमारे पास सिस्टम तैयार हो गया। फिर सिस्टम के बाद क्या होता है? अगला लेवल, अब आप बहुत सारे सिस्टम्स को मिलाएंगे तो आपके सामने आ जाएगा एक जानदार, एक ऑर्गेनिज्म, जैसे कि इंसान, गधा, घोड़ा, इस तरह का। बहुत सारे अगर आप सिस्टम्स को मिला लोगे, जैसे कि हमारे पास कौन कौन से सिस्टम हो गए, जैसे कि एक फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम, एक होता है रिस्पायरेटरी सिस्टम, एक होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, एक होता है नर्वस सिस्टम, एक होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम्स हैं ये। अगर आपने सारे सिस्टम्स को मिला लिया, क्या बन गया? एक इंसान। हम जो है हमारे अंदर सारे सिस्टम्स मिले हैं और देख लो हम बन गए। मेरी बॉडी के अंदर सारे सिस्टम्स कंबाइन हो गए और मैं तैयार हो गया। तो हम जब सारे सिस्टम्स को मिला लेंगे, अगला लेवल आ जाएगा। उस अगले लेवल को हम कहते हैं ऑर्गेनिज्म, जैसे कि इंसान। आगे बढ़ते हैं, ऑर्गेनिज्म से भी ऊपर होता है जी। अब ऑर्गेनिज्म ये जो सार होता है, इसके बाद इसकी अगली चीज आती है, अगला लेवल होता है, उसको हम कहते हैं स्पीशी। स्पीसी क्या होती है? इसको स्पीसी भी पढ़ते हैं, कुछ स्पीसी भी पढ़ते हैं, एक ही बात है, दोनों सेम होती है। स्पीसी क्या होती है जी? एक ही जैसे ऑर्गेनिजम्स, लेकिन उनमें मेल फीमेल का फर्क होता है। जैसे कि ह्यूमन स्पीसी, अब ह्यूमन स्पीसी देख लीजिए, सारे ह्यूमन एक जैसे होते हैं, बस क्या फर्क होता है उनमें? मेल फीमेल का। उनकी बॉडी के अतबार से बायोलॉजिकली अगर हम बोले तो एक एक जो है वो मेल गैमेट पैदा कर रहा है, एक फीमेल गैमेट पैदा कर रहा है, बायोलॉजिकल अतबार से। बोलो कॉमन जबान में बोले तो मेल फीमेल। कुत्ता जो होता है वो एक स्पीसी है, क्योंकि उसमें भी मेल फीमेल है। इसी तरीके से गधा जो है वो स्पीसी है, उसमें भी मेल फीमेल है। घोड़ा स्पीसी है, उसमें भी मेल फीमेल है। तो स्पीसीज क्या हो गई? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें मेल फीमेल हो जाते हैं। तो ये आपके पास एक, और ये जो ये वाला लेवल है ना, ये खाली एक ऑर्गेनिज्म है, ये खाली एक ऑर्गेनिज्म है। यानी कि मिसाल के तौर पर एक आदमी, बस एक मर्द। और अगर आपने इसके साथ एक औरत भी मिला दी, ये ऑर्गेनिज्म से मुराद हो गया एक, फॉर एग्जाम्पल एक आदमी मर्द, अगर आपने इसके साथ औरत भी मिला दी तो अब ये क्या हो गया? स्पीशी हो गया, एक मर्द और एक औरत। समझ में आई बात? ये क्या है? सिर्फ मेल। अगर आपने इसके साथ फीमेल भी मिला दिया, ये हो जाएगा स्पीशी, यानी कि मेल फीमेल का पेयर। तो स्पीशी होता है जी। स्पीशी के बाद आती है हमारे पास पॉपुलेशन।
पॉपुलेशन कम्युनिटी मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पॉपुलेशन कम्युनिटी बताया था कि पहले आता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होती है जी, अगर आप एक ही स्पीशी के बहुत सारे बंदे इकट्ठे कर लो, बहुत सारा उनका ग्रुप बना लो, उसको आप कहते हो पॉपुलेशन। जैसे कि ह्यूमन एक स्पीशी है ना, ठीक है, अगर मैं 100, 150, 200 ह्यूमंस निकाल दूं एक जगह खड़ा कर दूं, इट इज कॉल्ड पॉपुलेशन। ये जो जलसे होते हैं ना जिसमें इंसान होते हैं, ये पॉपुलेशन होती है अगले आज से, जलसे में हम पॉपुलेशन कह सकते हैं। तो डायग्राम में देखें आप, मैंने बहुत सारे ह्यूमन स्पीशीज को एक जगह इकट्ठा कर लिया, ये हो गई पॉपुलेशन। तो अगर एक सिंगल स्पीशी वो ग्रुप बना लेती है, ये यहाँ पर ये देख लें, सिंगल स्पीशी अगर ग्रुप बना लेगी उसको आप क्या कहोगे, पॉपुलेशन। यहाँ पर मैंने डायग्राम में क्या दिखा दिया, एक ह्यूमन एक स्पीशी है वो, तो क्योंकि उसमें मेल फीमेल होता है, अगर हम मेल फीमेल ह्यूमन की स्पीशी के बहुत सारे बंदे इकट्ठे कर ले, ये हो जाएगा पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के बाद जो अगला लेवल आता है उसको हम कहते हैं कम्युनिटी। कम्युनिटी तो मैंने आज रिवाइज भी कराया आपको, कम्युनिटी कहते हो आप ऐसे इलाके को, ऐसी जगह को जहां पर बहुत सारे किस्म के जानवर होते हैं, बहुत सारे किस्म के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, जैसे कि ये कम्युनिटी है, इट इज अ कम्युनिटी, क्योंकि इसके अंदर आपको नजर आ रहा है जी बहुत सारे किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं। इसमें आप देखें मछलियां, 50 किस्म की तो मछलियां नजर आ रही है, फिर पौधे भी हैं, फिर बैक्टीरियास भी होंगे, फिर और भी माइक्रोटोजोन्स होंगे, क्लेमोडोमोनास होंगे, और मुख्तलिफ नीचे स्पॉन्जीज मौजूद होंगी। ये क्या हो गई कम्युनिटी, यानी कि बहुत सारी पॉपुलेशन का इकट्ठा करा हुआ है। अब यहाँ पे मछलियां एक पॉपुलेशन है, अभी मैंने आज की क्लास में आपको क्या एग्जाम्पल दी थी कम्युनिटी की, मेरा इलाका। अब मेरा इलाका क्यों कम्युनिटी है, क्योंकि यहाँ पर एक इंसान थोड़ी रह रहा है, इंसान की पॉपुलेशन है, बहुत सारे इंसान रह रहे हैं यहाँ पे, और फिर उन बहुत सारे इंसानों के अलावा दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी तो रह रहे हैं। कुत्ते तो हमारी गली दूसरी वाली गली में तो बेताशा है, आवारा, वो भी एक स्पीसी है, मच्छर, अब तो परवाने भी आ गए एक और स्पीसी, बारिश के अंदर वो जो चिमटियों को पर लग जाते हैं। तो ये हमारी कम्युनिटी होती है, हमारे जो इलाके होते हैं वो कम्युनिटी होती है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी पॉपुलेशन प्लस हुई होती है, बहुत सारे पॉपुलेशन का ग्रुप होता है। कुत्तों की एक पॉपुलेशन होती है, इंसानों की एक पॉपुलेशन होती है, गधों की एक पॉपुलेशन होती है, पौधों की एक पॉपुलेशन होती है, कितनी पॉपुलेशन होती है कम्युनिटी। ये तीन चीजें जरा गौर से सुन लीजिएगा, इन तीन चार चीजों में बड़ा माइन्यूट सा फर्क है। ऑर्गेनिज्म सिंगल है ही, एक आदमी जैसे कि मैं, स्पीशी क्या हो जाएगा, अगर आप उस मेल के साथ उसका फीमेल भी जोड़ दो ये स्पीशी हो जाएगा, मैं और मेरी बीवी ये स्पीशी होगा। पॉपुलेशन क्या होगा, अगर आप एक ही किस्म का जो ऑर्गेनिज्म होता है, एक ही स्पीशी जो होता है उसका बहुत सारा ग्रुप बना लो, यानी मेरा जो खानदान है, मेरी जो फैमिली, मेरी अम्मी, मेरे भाई, मेरे भाइयों की बीवी, ये पॉपुलेशन हो जाएगी, क्योंकि हमारी ये बहुत सारी स्पीशीज को मैंने जमा कर लिया, ये पॉपुलेशन हो गई। और कम्युनिटी क्या होगी कि आप अगर इंसान है आपके अलावा दूसरे भी ऑर्गेनिजम्स होंगे, उस एक इलाका जिसके अंदर एक नहीं कई किस्म की पॉपुलेशन होंगी। हमारा इलाका पॉपुलेशन है जो कम्युनिटी है, क्योंकि एक हमारी पॉपुलेशन भी है, बराबर में पॉपुलेशन, हमारे सामने तो पता नहीं कितने सारे बंदे हैं एक घर के अंदर, वो एक पॉपुलेशन है। गली में तो कुत्ते उत्तों के तो मैंने आपको एग्जाम्पल ही दी हुई है, पिटेंगे ये मेरे से कल कुत्ते। कम्युनिटी के बाद जो अगला लेवल हमारा आता है उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है, यही पूरी कम्युनिटी, यही पूरी कम्युनिटी, यानी के उसमें बहुत सारे किस्म के आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, और हर लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई एक नहीं ज्यादा तादाद में होगा। तो कम्युनिटी प्लस लिविंग के साथ आप नॉन लिविंग एनवायरनमेंट भी डालते हैं, यानी कि आपका ये इसी डायग्राम को मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। अभी तो मैंने आपको सिर्फ इस कम्युनिटी में सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म गिनवाया था ना, आप अगर नॉन लिविंग भी इसमें ऐड कर दो, यानी हवा, पानी, नॉन लिविंग थिंग्स भी ऐड कर दो, तो ये बन जाएगा फिर इकोसिस्टम। तो कम्युनिटी में सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि बहुत सारे किस्म के जानदार, अगर हम उसके अंदर नॉन लिविंग कंपोनेंट्स भी शामिल कर दें, जैसे कि पानी, हवा, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वगैरह, तो फिर ये क्या बन जाएगा, इकोसिस्टम। और फिर इकोसिस्टम के बाद बहुत सारे इकोसिस्टम्स मिलते हैं तो हमारा बनता है बायोस्फीयर। बहुत सारे इकोसिस्टम्स अगर हम कंबाइन कर लें ना, एक इकोसिस्टम पानी का होता है, एक इकोसिस्टम आप कह लें उसका होता है, काम ही हमें यहाँ पे एक पानी का, एक जैसे कि जमीन जो होता है, लैंड, ये भी इसका एक इकोसिस्टम होता है। उसके बाद अगर हम बहुत सारे इकोसिस्टम्स को कंबाइन करें, आखिर में हमारे पास क्या चीज तैयार होती है, इसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर कहते हैं दुनिया को, दुनिया का वो हिस्सा जहां पर जानदार आबाद है, ठीक है। आपकी दुनिया से बाहर तो जानदार है नहीं, आपने तो आज तक प्लेनेट अर्थ के अलावा किसी दूसरी जगह पर तो लिविंग ऑर्गेनिज्म डिस्कवर ही नहीं करा, तो सिर्फ आपकी जो जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये खाली आपकी इस अर्थ के अंदर ही है, और अर्थ के भी तमाम हिस्से में नहीं है, अर्थ की बिल्कुल आखिरी लेयर के अंदर है, उससे ऊपर तो ऑक्सीजन नहीं है,
तो आखिरी जो अर्थ की लेयर है, अर्थ का वो हिस्सा जहां पर जानदार बसता है, मौजूद होता है, उसको हम कहते हैं बायोस्फेयर। स्फेयर से मुराद होता है गोल और बायो से मुराद होता है जानदार। तो जानदारों वाला गोला, जो कहता है ना वो पीके में गोला, तो ये जानदारों वाला गोला जिसको आप बायोस्फेयर यानी अर्थ कहिए ग्लास से आपकी, तो अर्थ को आप बायोस्फेयर कहते हैं। तो यहाँ पर आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इससे आगे फिर आपको चाहिए नहीं, अर्थ से बड़ी तो कुछ भी चीज नहीं। तो ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जरा गौर से देख लीजिएगा। कल क्लास का टाइम हमारा खत्म होता है। सबसे पहले होता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उसको आप मिलाओ एटम्स बनते हैं, एटम्स को आप मिलाओ मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, मॉलिक्यूल्स को मिलाएंगे ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनल्स को मिलाएंगे सेल, सेल को मिलाएंगे टिश्यू, और फिर ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनिज्म, और फिर ये जरा गौर से स्पीशीज, स्पीशीज को अगर आप बहुत सारी स्पीशीज को इकट्ठा कर लें पॉपुलेशन, फिर उस पॉपुलेशन बहुत सारी डिफरेंट पॉपुलेशन, बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन को अगर हम जमा करेंगे कम्युनिटी, फिर मुख्तलिफ कम्युनिटीज के अंदर अगर हम नॉन लिविंग थिंग भी ऐड कर दें तो इकोसिस्टम, और मुख्तलिफ इकोसिस्टम मिलाओगे तो ये आपकी अर्थ का वो हिस्सा बन गया जाती जानता है बात है, उसको आप कहते हो बायोस्फीयर। यहाँ हम अपनी आज की क्लास को खत्म करते हैं इंशाल्लाह।